हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कार्विंग्स। कैसे हो आप सभी? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो एक नया वेरिएंट आया है, यानी कि क्रेटा के अंदर जो एक्सक्यूटिव वेरिएंट का है, जिसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो टच स्क्रीन है ना वो नहीं मिलती, और उसकी जितनी भी वायरिंग है वो सारी की सारी गाड़ी में हुई होती है। तो वो मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूं। ये SX वेरिएंट है जिसमें आप लोगों को ऑप्शनल भी मिल जाता है। यहां पर आप अलॉय व्हील से पता लगा सकते हो। भाई यहां पर अलॉय व्हील देख सकते हो, ये आप लोगों को सिंगल कलर में आता है। एज अगर आप लोग दूसरी गाड़ी में देखोगे तो आप लोगों को देखो डुअल टोन कलर वाला मिल जाता है। अगर वो लगवाना चाहो तो वो भी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। अपने पास सब अवेलेबल है, जो ह्यूंडई का जेन्युइन पार्ट्स आते हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई ये कुछ चेकआउट कर लो, यहाँ पर आप लोगों को क्या कहते हैं जो DRL से वो मिल जाती है, और ये ट्रायो भी आप लोगों के हेडलाइट्स देखने को मिलती है। अगर आप लोग कहते हो कि आपको बेस वेरिएंट में भाई ये वाली चीज चाहिए तो अपन लोग के पास अवेलेबल है, जो कि लगभग आप लोगों को 35-40 हज़ार रुपए के आसपास कॉस्ट करने वाली है ये वाला एक पीस। और अगर से आप अलग से लोगे तो वो चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर नीचे की साइड आप लोगों को डिफ्यूजर भी देखने को मिल जाता है, ग्रिल जो ऑलमोस्ट जैसे कि हम बेस वेरिएंट में लगाते हैं, मतलब जो आप लोगों की क्रोम वाली पूरी ग्रिल है वो आप लोगों को मिल जाती है। खैर वो सब छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं काम की तरफ की गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट करवा देता हूँ। भाई तो मैंने अलॉय व्हील के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को साइड बीडिंग लगवानी हो वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आपको साइड की स्किड प्लेट लगवानी हो, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें सिल्वर है, बट अगर आप उस वाली क्रेटा में देखोगे ना तो आप लोगों को ब्लैक मिलती है, जो कि गाड़ी से ना मतलब थोड़ी मैच नहीं हो रही, बट अगर ये लगवा लोगे ना तो काफी हद तक आप लोगों की गाड़ी से जो है मैच हो जाने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को विंडो गार्निश देखने को मिल जाता है, ये आप लोगों को रेन वाइजर, ये आप लोगों को खैर ये भाई अपर का वेरियंट है, SX है, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीजें मिल जाएगी। इवन आप लोगों को पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है गाड़ी के अंदर, तो फिर कमी चीज किस चीज की रह गई है यार। भाई पीछे की साइड में देखो ज्यादा काम नहीं हुआ है, बस थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पर जो मैट्रिक्स वाली लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। तीन फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटीज आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप रिवर्स करोगे तो ये जलने वाली है, अगर आप लोग ब्रेकिंग का यूज करोगे तो ये जलेंगी, और बाकी आप जैसे इंडिकेटर करोगे ना, हैजार्ड लाइट जलाओ या फिर नॉर्मली लाइट जलाओ, तो वो सारी की सारी वर्किंग करने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को बूट पे भी लाइट देखने को मिलती है, दो टाइप्स की आती है, एक होती है जो नॉर्मली चिपक जाती है और एक जो रहती है इसकी जो सेटिंग्स रहती है ना उसको निकालने के बाद वो परमानेंट लग जाती है। तो अगर वो लगवाना चाहो तो वो भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्यूजर खैर इसके अंदर ऑलरेडी आते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को लगवाना चाहो तो सारी चीजें लगवाते हो। गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूं एक बार। तो भाई इधर की साइड अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी डैम्पिंग कर रखी है। इसके बारे में मैं भी पूछ के बताता हूँ, जहां तक मुझे मालूम है तो ये JBL के जो आप लोगों के स्टेडियम आते हैं वो वाले कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं। पीछे की साइड का भी मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा, आगे की साइड भी आप लोग चेकआउट कर लो। और जो गाड़ी एक्सक्यूटिव वेरिएंट है उसके अंदर पता है सबसे मेन रीजन क्या है कि उसके अंदर ना कोई भी आप लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, बट यहाँ पर हम लोगों ने हाइपरसोनिक का लगाया, उसको भी मैं आप लोगों को अभी डिटेल्स में दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। और पीछे की सीट लग जाए उसके बाद मैं आप लोगों को चेकआउट कराऊंगा। तो भाई ये कुछ चेकआउट कर लो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है SX आपका एक्सक्यूटिव मॉडल है, मतलब आप लोगों को सनरूफ भी देखने को मिल रही होगी पूरी छत के पार, भाई मतलब पेड़ आप लोगों को दिख रहे होंगे भाई सामने की तरफ, ये चेकआउट कर लो। और इसके अंदर आप लोगों को जो चीजें जैसे ऑलमोस्ट इस गाड़ी के अंदर तो देखो भाई सब कुछ आ जाता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। चाहे आप लोग यहाँ पर क्रूज कंट्रोल देख लो या फिर आप लोगों के जो भी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स है वो सारे आ जाते हैं। बेस वेरिएंट में अगर आपको जरूरत हो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है भाई ये पूरा चेंज हो जाएगा, और आप इसमें देखोगे कि स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में बेस वेरिएंट में भी आप लोगों को सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर बात करते हैं जो हाइपरसोनिक का सिस्टम लगा हुआ है इसका रिस्पॉन्स के बारे में। भाई तो भाई इसके अंदर जो आप लोगों ने सिस्टम लगाया है वो 2GB 32GB वाला आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप लोगों को क्या कहते हैं सनग्लास होल्डर्स लगवाने हैं तो वो सारी की सारी चीजें भी लग जाएंगी। सनरूफ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि भाई काफी लोग कहते हैं कि भाई सनरूफ का कोई जुगाड़ मिल जाए तो बता देना, तो अभी फिलहाल है नहीं। यहाँ पर आपका एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है, पीछे में आप लोगों को इसका एक बार सिस्टम भी म्यूजिक सिस्टम भी सुना दूंगा कि कैसा रिस्पॉन्स है। एम्बिएंट लाइटिंग आप लोगों को मिल जाती है, सीट्स कवर के आप लोग रिस्पॉन्स को चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा बढ़िया है। पीछे का भी हुआ नहीं है, वो हो जाने तो उसके बाद मैं आप लोगों को चेकआउट करा दूंगा। अगर कहीं आप लोगों को ORVMs भी चाहिए, यानी कि जो टॉप वेरियंट में ORVMs आते हैं जो कि आप लोग अंदर ही बैठे उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो वो चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले जो क्रेटा देखी होगी ना उसमें मैंने दिखा रखा है आप लोगों को, तो वो सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फ्लोरिंग हो गई है, मैटिंग अगर आप लोग करवाना चाहो मैटिंग हो जाएगी। डैशबोर्ड अगर आप लोगों को चेंज कराना है वो सारी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर ये सारी की सारी चीजें जो देख रहे हो, जैसे कि काफी लोग वुडन में कराते हैं, कार्बन फिनिश, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास फोटोज है भाई अपना ले आओ, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से भी आकर के सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। पीछे की साइड भी चल के मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई ये चीज चेकआउट कर लो, यहाँ पे हम लोगों ने सब वूफर लगाया भाई सोनी कंपनी का, उसका भी मैं आपको रिस्पॉन्स चेकआउट करा दूंगा। और ये जो आप लोगों की लाइट्स हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों के रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं नॉर्मल वाले हैं, बैक करोगे तो सिर्फ ये जलते हैं, तो भाई वो आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरीके से लगा दिया है। तो भाई यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और बाकी आपके लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आपके सारे के सारे यहाँ पर आपको RPM रेंज मिल जाता है, डीजल वेरियंट है भाई ये, और ये आप लोगों की स्पीड आपकी जो भाई स्पीड रहने वाली
वाली है, यानी कि जो आप लोगों का स्पीडोमीटर है वो मिल जाता है। गाड़ी के बीच में आप लोगों को MID भी मिल जाती है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें मतलब जैसे चेकआउट करनी है तो वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। लाइट हो गया, एवरेज, मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों को चेकआउट करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की साइड आप लोगों को सारे के सारे जितने भी क्या कहते हैं वार्निंग लाइट्स है वो आप लोगों को मिल जाती है। इधर अगर आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको इंडिकेटर और बाकी सारी लाइट्स की फंक्शनैलिटीज मिल जाती है। अगर आप लोग लेफ्ट साइड में आते हो तो भाई आपके वाइपर्स के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। और सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट आपको मिल जाती है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। एज अगर आपके वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो भाई वायरलेस चार्जिंग भी लगवा लोगे, कोई इशू नहीं है। हमारे पास वायरलेस चार्जिंग भी है भाई, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग लगवा सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सारी की सारी जो ऑक्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर लो, गाड़ी के अंदर भाई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता। तो यार कंपनी का क्या सेंस है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट हाँ हो सकता है थोड़ा प्राइस इस गाड़ी का कम हो, या फिर जो यहाँ पर आप चेकआउट कर लो भाई, जो इसकी सनरूफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, मतलब मज़ा आ गया यार। एक बार चेकआउट करो यार, क्या ही OP लग रही है। इन फ्यूचर कभी अगर दिल हुआ तो भाई ज़रूर क्रेटा की तरफ भी जाएंगे, बट SUV में अगर कोई प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ थार है, उसके अलावा शायद ही कोई गाड़ी हो। आप लोगों की कौन सी कार है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है भाई, ये चेकआउट कर लो ग्लोव बॉक्स। और थोड़े आप लोगों को AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, और तो गाड़ी के अंदर आप लोगों को 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आप लोगों को रिवर्स, यानी कि ऐसे करके जब आप उठाओगे ना ऐसे करके यहाँ से पुश होता है, उठ जाता है, तो भाई आप लोगों का जो है आगे मतलब रिवर्स गियर भी लग जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, और अगर आप लोगों को इसके ऊपर भी कवर चढ़ाना है तो वो सारी की सारी चढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ वैनिटी में अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो कोई भी आप लोगों को मिरर्स नहीं देखने को मिलता भाई, वो सारी चीज़ें चेकआउट कर लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मिरर्स मिलता है बट कोई भी लाइट नहीं मिलती है, लाइट जो है वो आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलती है, और ये आप लोगों की डिपेंड करती है कि आप लोगों को दरवाजे के उस पर करनी है कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से गाइस एक और चीज़ चेकआउट कर लो, अगर यहाँ से आप लोगों को लाइट ऑन ऑफ करनी है तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो ये देख लो, यहाँ से वाली रीडिंग ऑन हो गई, और यहाँ से अगर मैं ऑफ करना चाहूँ तो वो सारी चीज़ें भी ऑफ हो जाएंगी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अगर यहाँ पे तो भाई यही था कुछ गाड़ी का आप लोगों को जो भी आप लोगों ने देखा, होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट।